ओरेकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप बाय क्लाउड्स ओरेकल डेटाबेस में, इसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका क्या यूज़ है, कब इसे इम्प्लीमेंट करना है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ ग्रुप बाय क्लाउड्स, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ग्रुप बाय क्लाउड्स फॉर्म अ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एंड प्रोड्यूस अ सेपरेट टेबल। ग्रुप बाय क्लाउड्स क्या करता है, ये ग्रुप के फॉर्म में हमें क्या करता है, रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। तो ये जो भी ग्रुप बनाता है ना, वो सिमिलर तरह के डेटा का यूज़ करके ये ग्रुप बनाता है, उसके बाद उसी ग्रुप के फॉर्म में हमें ये क्या करता है, एक नया टेबल बना के उसी टेबल में हमें रिजल्ट देता है, यही इसका काम होता है। अगर आप ग्रुप के फॉर्म में रिजल्ट देखना चाहते हैं, सेम डेटा का ग्रुप बनाना चाहते हैं, तब आप ग्रुप बाय क्लाउज यूज़ करेंगे। लेकिन आपको क्या याद रखना है इसे पढ़ने से पहले, द ग्रुप बाय क्लाउज परफॉर्म इट्स ऑपरेशन इन बफर नॉट इन डेटाबेस। जनरली अगर हम डेटाबेस में कोई भी टेबल बनाते हैं या फिर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो फिजिकल डेटाबेस में हम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रुप बाय क्लाउज अप्लाई करते हैं अपने किसी भी क्वेरी में, किसी भी कंडीशन में या ऑपरेशन में, तो ये ग्रुप बाय क्लाउज क्या करता है, अपने सभी टास्क को यानी सभी ऑपरेशन को बफर में परफॉर्म करता है। बफर एक टेम्प्ररी स्टोरेज होता है जहाँ पे ये ग्रुप बाय क्लाउज अपना काम करता है, और पर्टिकुलर क्वेरी तक ही ये बफर में जो भी टेबल वगैरह बनता है रहता है, उसके बाद इरेज हो जाता है। हम आपको नीचे समझाएंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल समझिए। अगर हम ईएमपी टेबल बनाते हैं तो ये टेबल हमारे डेटाबेस में बनेगा, ये फिजिकल डेटाबेस का पार्ट है, ये टेबल हमारा क्या हुआ, बन गया, ठीक। अब टेबल बनने के बाद यहाँ पे आप देखिए सेल डिपार्टमेंट कई जगह पे है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सेम तरह का डेटा है और इन्हें मुझे ग्रुप के फॉर्म में देखना है, तो मैं ग्रुप बाय क्लाउज यूज़ करूँगा, तो मुझे क्वेरीफायर करना पड़ेगा सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम। अगर मान लो मुझे डिपार्टमेंट का नेम जानना है तो मैं डिपार्टमेंट नेम लिखूँगा यहाँ पर। काउंट स्टार मतलब डिपार्टमेंट का नेम कितनी बार है फ्रॉम ईएमपी टेबल में, वेयर ई सेल लेस देन इक्वल 20,000 ग्रुप बाय डी नेम। इसका मतलब ये हुआ कि जिस का सैलरी 20,000 या फिर उससे कम है, उन सभी डिपार्टमेंट का नेम हमें चाहिए और वो कितने बार हैं ये भी हमें जानना है। नेम हमें ग्रुप के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हम ग्रुप बाय क्लाउज यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे समझाएंगे ये काम कैसे कर रहा। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे ओरेकल डेटाबेस में एक टेबल है ईएमपी नाम का, और इस ईएमपी टेबल में तीन कॉलम है, ये रहा तीन कॉलम, और इन तीनों कॉलम में ये हमारा रिकॉर्ड है। तो मान लो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे जानना है कि ईएमपी टेबल में कितने डिपार्टमेंट हैं, उनका नेम मुझे जानना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेरी है, ईएमपी टेबल में कितने डिपार्टमेंट हैं उनका नेम मुझे जानना है, डिपार्टमेंट का नेम जानना है, तो मुझे क्वेरी फायर करना पड़ेगा सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, क्योंकि मुझे यही जानना है, फ्रॉम टेबल का नेम ईएमपी, फिर अपने को लिखना पड़ेगा ग्रुप बाय, और यहाँ पे फिर से डी नेम कॉलम, यहाँ पे आप वही कॉलम लिखेंगे जो यहाँ पे रहेगा। तो मुझे डिपार्टमेंट नेम जानना है तो ये वाला काम करेगा, और हम उसको डी नेम से ही सॉर्ट करके रिजल्ट को फेच करेंगे, इसीलिए यहाँ पे डी नेम लिखे हैं। फिर से अभी अगर मैं एंटर मारूँ तो आप देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है कि हमारे ईएमपी टेबल में टोटल तीन डिपार्टमेंट है, पहला है सेल, दूसरा है एचआर और तीसरा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तीन डिपार्टमेंट था हमारे ईएमपी टेबल में, तो इस क्वेरी ने हमें उन तीनों डिपार्टमेंट का नेम रिटर्न कर दिया। अब मान लो मुझे ये भी जानना है कि सेल डिपार्टमेंट कितने टाइम से, एचआर डिपार्टमेंट कितने टाइम से, मुझे ये सब भी जानना है, तो मुझे यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा और एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा काउंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार। स्टार का मतलब अगर सेल डिपार्टमेंट टेबल में 10 जगह है तो 10 आउटपुट आना चाहिए, टोटल आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कितनी जगह है, तो आप देखो यहाँ पे सेल डिपार्टमेंट हमारे ईएमपी टेबल में चार जगह पे है, जैसे 1, 2, 3 और ये लास्ट में 4, तो इसका मतलब सही आउटपुट है। एचआर डिपार्टमेंट हमारे टेबल में 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे देखो एक बार ये रहा और दूसरा ये रहा, और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट हमारे टेबल में एक बार ही है, यहाँ पे देखो सिर्फ एक बार ही है,
तो इस तरह से आप ग्रुप बाय क्लाउज यूज़ करके ना सिर्फ डिपार्टमेंट का नेम जान सकते हैं, बल्कि वो कितनी टाइम से ये भी पता लगा सकते हैं। आप चाहें तो कंडीशन यूज़ करके भी ग्रुप बाय क्लाउज की मदद से सिमिलर तरह के डेटा का ग्रुप बना के उसे फेच कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेरी में अगर हम सिंपल सा कंडीशन मार दे, जैसे टेबल का नेम जब हमने लिखा था वेयर ईएमपी फ्रॉम ईएमपी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर ई सेल लेस देन इक्वल 20,000, हमें क्या करना है उनका रिकॉर्ड दिखाइए। तो यहाँ पे देखिए अभी दो डिपार्टमेंट का ही नेम आया है, एक का आया है सेल और एक का आया है एचआर। तो सेल डिपार्टमेंट 3 times आया है, इसका मतलब 3 times सेल डिपार्टमेंट का सैलरी 20,000 या फिर उससे कम है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला हो गया सेल डिपार्टमेंट ये वाला जिसका सैलरी 20,000 से कम है, दूसरा सेल डिपार्टमेंट ये वाला जिसका सैलरी एग्जैक्ट 20,000 ही है, और तीसरा ये वाला जिसका 20,000 से कम है। तो 20,000 या फिर उससे कम जितना भी सेल डिपार्टमेंट था उतना का ही रिकॉर्ड यहाँ पे देखिए आया है। ठीक है, ये वाला सेल डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड नहीं आया क्योंकि इसका सैलरी 20 से एवव है। फिर क्या आया, फिर एचआर डिपार्टमेंट का भी एक आउटपुट आया है। ठीक है, एक बार ये भी आया है। तो यहाँ पे देखिए एचआर का सैलरी कितना है, एचआर का सैलरी 20,000 है, 23,000, तो ये वाला आउटपुट आया। जबकि इस वाले एचआर डिपार्टमेंट का, यहाँ पे देखिए इस वाले एचआर का सैलरी 20,000 से कम था, तो इसी का रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा, ये वाला रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि ये ग्रेटर है, ये कंडीशन को फॉल्स कर रहा। तो एक ट्रू किया तो उसी का रिजल्ट यहाँ पे आया। तो इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ कि हम पता लगाना चाहते हैं कि 20,000 से कम जिन जिन डिपार्टमेंट का सैलरी है उन सभी का नेम में भी मुझे उनका नेम भी जानना है, और वो कितने टाइम से मुझे ये भी जानना है। तो यहाँ पर ये हमारा रिकॉर्ड आ गया। अभी आप और भी ग्रुप बाय क्लाउज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ की बात करूँ मैं, ठीक है, मुझे जानना है कि किस डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सैलरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा मैक्स, उसके बाद कॉलम ई सेल। अभी जिस भी डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा सैलरी होगा वही डिपार्टमेंट का नेम हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पे देखिए सेल डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सैलरी है 25,000, एचआर डिपार्टमेंट का भी मैक्सिमम सैलरी है 23,000, और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सैलरी है 25,000। तो जो जो मैक्सिमम सैलरी कंटेन कर रहे उन्हीं का रिकॉर्ड अभी इस वाले क्वेरी में शो हो रहा। जैसे बात करूँ अगर सेल डिपार्टमेंट का, ये देखो ये रहा सबसे मैक्सिमम सैलरी, ठीक, और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का यही है सबसे मैक्सिमम सैलरी, और एचआर डिपार्टमेंट का ये रहा सबसे मैक्सिमम सैलरी। इसके अलावा ये भी सेल एचआर डिपार्टमेंट ही हैं लेकिन इनका सैलरी कम है, हमें मैक्सिमम सैलरी जाननी थी। ठीक है, अब मान लो आपको मिनिमम सैलरी अगर जानना है तो आप यहाँ पे मिन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये मिनिमम सैलरी दिखाएगा, ये देखो सेल डिपार्टमेंट का मिनिमम सैलरी 10,000, एचआर का 15 और प्रोडक्ट का 25, क्योंकि ये एक बार ही है। ठीक, आप एक साथ 2-3 फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो अब मुझे जानना है ना, मुझे डिपार्टमेंट का नेम भी चाहिए, और जैसे सेल डिपार्टमेंट 4 times से टेबल में, तो उन 4 times का सैलरी ऐड करना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सम फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, तो ये सैलरी भी ऐड करके देगा, और एवरेज फंक्शन भी मैं यूज़ कर लेता हूँ कॉमा लगा के, तो ये एवरेज भी कैलकुलेट करके देगा। तो आप देखो सेल डिपार्टमेंट हमारे टेबल में 4 times है। ठीक है, तो अगर हम ऐड करें जैसे यहाँ से 10,000, उसके बाद 20,000 हो गया 30, और 10 ऐड करें 40, और यहाँ लास्ट से देखो 25 ऐड करेंगे 65, तो ये देखो 65,000 टोटल सैलरी सेल डिपार्टमेंट का, और 65,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज आएगा क्योंकि 4 times ही है सेल डिपार्टमेंट। इसी तरह से एचआर और प्रोडक्ट का भी रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अभी आप जितना भी क्वेरी देखे होंगे उनमें एक बात कॉमन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, ग्रुप बाय क्लाउज को अप्लाई करने का रूल क्या है। सबसे पहले आप जो सेलेक्ट के बाद कॉलम का नेम लिखेंगे ना, वही कॉलम का नेम आपको ग्रुप बाय उसके बाद फिर से लिखना है। तो पहली बार हम उसी कॉलम का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं इसलिए लिखते हैं, उसके बाद ग्रुप के फॉर्म में मुझे किस कॉलम का रिकॉर्ड देखना है, जो कॉलम हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है
वही यहाँ पे लिखना पड़ता है ताकि ग्रुप बाय क्लास उसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड हमें सॉर्ट करके दिखाए। पर वो कॉलम जो सबसे पहले होगा सेलेक्ट के साथ बिल्कुल होगा, वही कॉलम आपको यहाँ पे लिखना है, तभी आपका रिजल्ट शो होगा। तो ये जो ग्रुप बाय क्लास है ना, ये अपना टेबल जो है वो बफर में क्रिएट करता है, ये एक टेबल बनाता है इंटरनली जो हमें दिखाई नहीं देता, वो टेबल बफर में क्रिएट होता है और उस टेबल के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय क्लास हमें ये नया टेबल बना के देता है और इसमें हमें रिकॉर्ड दिखता है। तो इसके अलावा भी एक टेबल क्रिएट होता है जो बफर में होता है, तो वो कैसे कॉन्सेप्ट आता है, उससे रिजल्ट कैसे निकल के आता है, चलिए हम आपको वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अभी अभी डेटाबेस में हमने आपको ये क्वेरी फायर करके दिखाया, तो जब हम ये क्वेरी फायर किए तो हमें रिज़ल्ट क्या मिला, हमें ये रिज़ल्ट मिला। ग्रुप बाय क्लास क्या करता है, रिज़ल्ट देने के लिए एक सेपरेट टेबल क्रिएट करता है, जैसे ये वाला टेबल ग्रुप बाय क्लास ने क्रिएट करा, सेल डिपार्टमेंट 3 बार है, HR डिपार्टमेंट 1 बार है। तो ये जो टेबल क्रिएट हुआ ये ग्रुप बाय क्लास ने क्रिएट किया हमें रिज़ल्ट को दिखाने के लिए। तो ये टेबल क्यों क्रिएट हुआ और इसका रिज़ल्ट ऐसा क्यों आया, उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। दिस टेबल विल बी क्रिएटेड इन बफर, ग्रुप बाय क्लास जब हम एंटर मारते हैं तो हमें सिर्फ रिजल्ट के फॉर्म में ये टेबल दिख जाता है, हमें सिर्फ आउटपुट दिखता है, लेकिन ये आउटपुट क्यों आता है, उसके बैकग्राउंड में ग्रुप बाय क्लास इस काम को करता है। ग्रुप बाय क्लास बफर में एक टेबल क्रिएट करता है, ठीक है, ये टेबल बफर में क्रिएट हुआ है जो कि इसी पर्टिकुलर क्वेरी तक ही है, अगर हम दूसरा क्वेरी फायर करेंगे ये टेबल इरेज हो जाएगा। तो इसमें देखिए हमारा कंडीशन था जिसका सैलरी 20,000 या 20,000 से कम है उसका डिपार्टमेंट नेम हमें बताओ कितना बार है। तो यहाँ पे देखो 20,000 से जिसका सैलरी कम है या फिर उसके बराबर है उन सभी के रिकॉर्ड के लिए ही यहाँ पे एक सेपरेट टेबल बना बफर में, ग्रुप बाय क्लास ने बनाया। उसके बाद आप देखो सेल डिपार्टमेंट यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, 3 दिखा आउटपुट के तौर पे। और डिपार्टमेंट का नेम क्या है, डिपार्टमेंट का नेम देखो सेल है तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट का नेम। उसके बाद यहाँ पे 15,000 हमारा HR डिपार्टमेंट का सैलरी भी है, ये भी 20,000 से कम है, तो इसका भी देखो यहाँ पे 1 बार दिख रहा है क्योंकि HR डिपार्टमेंट 1 बार ही है टेबल में यहाँ पे एक, और डिपार्टमेंट का नेम HR। जबकि हम ओरिजिनल टेबल में अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे देखिए और भी डिपार्टमेंट है, जैसे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन ये हमारा कंडीशन में नहीं आया क्योंकि इसका सैलरी 25,000 है जो कि इस कंडीशन को फॉल्स कर रहा। जो जो कंडीशन को ट्रू करेंगे उतना का ही एक बफर में सेपरेट टेबल बनेगा और ये टेबल हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसी टेबल के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय क्लास हमें रिजल्ट के फॉर्म में ये टेबल दिखाता है जो कि हम आउटपुट के तौर पे देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ग्रुप बाय क्लास का। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।